हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. वेल फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक DIY फेस क्लीनअप लेकर आई हूँ जो कि समर्स के लिए परफेक्ट है. ये फेस क्लीनअप एंटी एजिंग एंड एंटी रिंकल्स की प्रॉब्लम को कम करता है. चेहरे में जो एक्स्ट्रा ऑयल की प्रॉब्लम रहती है उसको कंट्रोल में करके प्रॉपर क्लीनअप करता है, प्रॉपर हाइड्रेशन प्रोवाइड कराता है. और अगर आप ये फेस क्लीनअप वंस इन अ वीक करते हैं, यानी कि अगर आप रेगुलरली करते हैं, तो ये आपके चेहरे को स्पॉट फ्री, एक्ने फ्री बनाता है. और फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं वाटरमेलन फेस क्लीनअप की. हम सभी को पता है फ्रेंड्स, वाटरमेलन गर्मियों में बूंद की तरह काम करता है. वाटरमेलन में 90% पानी पाया जाता है जो कि चेहरे को प्रॉपर हाइड्रेशन एंड मॉइस्चराइजिंग प्रोवाइड कराता है. इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज पाई जाती है. इसमें विटामिन सी एंड ए पाया जाता है. ये एंटी एजिंग की प्रॉब्लम को रिमूव करता है और चेहरे को क्लीन, हेल्दी, ग्लोइंग, सॉफ्ट एंड सपल बनाता है. फ्रेंड्स, आपको मेरा चेहरा आज थोड़ा डिफरेंट दिख रहा होगा. एक्चुअली ये मेरा नो मेकअप लुक है और आपको मेरे चेहरे में काफ़ी टायर्डनेस एंड डलनेस जो है वो आपको दिख रही होगी. एक्चुअली अभी 11:20 बज रहे हैं रात के और मैं बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हूँ. बट क्योंकि मुझे ये क्लीनअप करना था, ये मेरा वीकली स्किन केयर रूटीन है, ये मुझे करना था, तो आई थॉट कि ये इसके ऊपर मैं एक वीडियो भी बना देती हूँ और आपके साथ शेयर कर देती हूँ, ताकि आपको भी ये जो क्लीनअप का फ़ायदा है वो आपको देखने को मिले. तो अभी आप देख रहे होंगे कि मेरा चेहरा काफ़ी थका थका है एंड काफ़ी टायर्डनेस है और यहाँ पर आपको थोड़ी टैनिंग भी दिख रही होगी. अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है, ना मैंने फेस वॉश किया है, ना मैंने कुछ भी लगाया है. तो जल्दी से ये जो क्लीनअप का जो प्रोसेस है वो मैं शुरू करती हूँ. सबसे पहला स्टेप है फ्रेंड्स, क्लींसिंग करना. फॉर क्लींसिंग वी विल टेक 2 teaspoon वाटरमेलन जूस, जिसको कि मैंने कद्दूकस करके निकाल दिया था स्ट्रेनर की हेल्प से. एंड वी विल एड 1 tablespoon हनी, मिक्स कर लेंगे एंड देन कॉटन की हेल्प से चेहरे को मसाज करेंगे. 2 से 3 मिनट तक हमें प्रॉपर मसाज करना है ताकि चेहरे में जो भी गंदगी है, जो भी डर्ट है वो निकल जाए. और 2 मिनट के बाद हम चेहरे को वॉश कर लेंगे. वाटरमेलन में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज पाई जाती है. इसमें विटामिन सी एंड ए पाया जाता है, विच हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग एंटी एजिंग प्रॉब्लम्स. इसके अलावा भी फ्रेंड्स, ये चेहरे को प्रॉपर क्लीनअप करता है, डर्ट फ्री बनाता है, सॉफ्ट एंड सपल बनाता है. शहद में एंटी एक्ने प्रॉपर्टीज पाई जाती है जो कि चेहरे को एक्ने फ्री एंड स्पॉट फ्री बनाने में हेल्प करती है. 2 से 3 मिनट मसाज करने के बाद चेहरे को पानी से वॉश कर लेंगे. स्टेप नंबर 2, स्क्रबिंग. फॉर स्क्रबिंग ऐड करेंगे 2 teaspoon वाटरमेलन जूस, 1/2 teaspoon लेमन जूस, 1 teaspoon राइस फ्लोर, 1 teaspoon शुगर. मिक्स कर लेंगे एंड देन वी विल अप्लाई इट ऑन अवर फेस. लेमन हैव विटामिन सी एंड एन एंटीऑक्सीडेंट जो कि स्किन डैमेज एंड प्रीमैच्योर एजिंग को कम करता है. चावल के आटे में इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती है जो कि सन बर्न एंड सन टैन को कम करता है. शुगर एक अच्छा एक्सप्लोरेटर है जो कि स्किन के ऊपरी लेयर से डेड स्किन को अच्छे से रिमूव करता है. ये स्किन के ब्लड फ्लो को भी इम्प्रूव करती है टू द सर्फेस ऑफ द स्किन. 3 से 4 मिनट तक जेंटली मसाज करेंगे, देन वॉश इट विद प्लेन वाटर. और ये देखिए फ्रेंड्स, अभी खाली मैंने 2 ही स्टेप्स किए हैं और इसने मेरे चेहरे को काफी हद तक क्लीन कर दिया है और जो टायर्डनेस और डलनेस मेरे चेहरे पर थी वो भी काफी हद तक दूर हुआ है. ये देखिए, आप चाहे तो वीडियो को रिवाइंड करके भी चेक कर सकते हैं, पहले का चेहरा, अब का चेहरा मेरा. चलिए फ्रेंड्स, अब स्टेप नंबर 3 करते हैं, यानी कि फेस पैक लगाते हैं. फॉर फेस पैक ऐड 2 teaspoon वाटरमेलन जूस, 2 teaspoon बेसन,
और विटामिन ई कैप्सूल के अंदर में जो लिक्विड होता है वो हम एक ऐड करेंगे। मिक्स इट एंड मेक अ थिक पेस्ट, अप्लाई इट ऑन द फेस। बेसन इज गुड फॉर ऑयली स्किन। ये फेस पैक का सबसे इफेक्टिव इंग्रेडिएंट होता है क्योंकि ये चेहरे में जो एक्सेस ऑयल रहता है उसको एब्जॉर्ब करता है और स्किन को सॉफ्ट एंड सपल बनाता है। विटामिन ई में एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है जो कि स्किन को स्पॉट एंड एक्ने फ्री बनाती है। ये एक एंटी एजिंग प्रॉपर्टी भी है, स्किन को रेडिएंट एंड ग्लोइंग बनाती है। ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। 15 मिनट के बाद ड्राई होने पर आपको अगेन चेहरे पर मसाज करना है। थोड़ा वाटरमेलन जूस लीजिए हाथों में, मसाज करिए जेंटली फॉर 5 मिनट, देन वॉश इट विद प्लेन वाटर। तो फ्रेंड्स देखिए रिजल्ट आपके सामने है। मेरा चेहरा पहले का देखिए और अब का देखिए, काफी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। ये एक नेचुरल क्लीनअप है और सभी इंग्रेडिएंट्स नेचुरल है, उनके कोई साइड इफेक्ट भी आपके चेहरे पर नहीं पड़ने वाले हैं। स्पेशली जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे कि वाटरमेलन है, हनी है, या फिर शुगर है, या फिर लेमन है, ये सभी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है जो कि चेहरे को कूलिंग इफेक्ट देते हैं, हेल्दी बनाते हैं, ग्लोइंग बनाते हैं, एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है, एंटी एक्ने एंड स्पॉट फ्री एक्ने फ्री बनाते हैं चेहरे को। अगर आप इस टाइप के नेचुरल क्लीनअप या फिर स्क्रब या फिर जो फेस पैक है वो वंस इन अ वीक यूज करते हैं तो डेफिनेटली आपको पार्लर जाने की कभी भी जरूरत नहीं होगी। और ये क्लीनअप करना बहुत ही सिंपल है और बहुत ही कम टाइम में आप ये क्लीनअप कर लेंगे। मुझे हार्डली आधा घंटा लगा ये क्लीनअप करने में और आधा घंटा वंस इन अ वीक आप लोग निकाल ही सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे इस चैनल को। और इस टाइप के DIY वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल के कॉर्नर में जो बेल का आइकॉन है वो भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे चैनल की जो न्यू नोटिफिकेशन है वो मिलती रहेगी। तो मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ।